हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे गोनाड्स के बारे में। गोनाड्स जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गोनाड्स एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो कि अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालते हैं बिना किसी डक्ट या फिर ल्यूमन की हेल्प से। इस वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। तो आज अपन पढ़ेंगे गोनाड्स के बारे में। गोनाड्स आर द सेक्सुअल ग्लैंड विच प्रोड्यूस सेक्स हॉर्मोन एंड गैमेट। गोनाड्स जो होती हैं सेक्सुअल ग्लैंड होती हैं जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेक्स हॉर्मोन और गैमेट के प्रोडक्शन के लिए। इन मेल दे आर द टेस्टिस, इन फीमेल दे आर द ओवरीज। मेल के अंदर जो गोनाड होती है वो टेस्टिस होती है और फीमेल के अंदर ओवरीज होती है। तो मेल के अंदर टेस्टिस होती है जो कि सेक्स हॉर्मोन और गैमेट के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं जो कि फीमेल सेक्स हॉर्मोन और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करवाती हैं। तो ये अपन ने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा गोनाड्स के बारे में कि गोनाड्स क्या होती हैं, जो कि एक सेक्सुअल ग्लैंड होती हैं जो कि मेन इनका फंक्शन होता है सेक्स हॉर्मोन और जो गैमेट होते हैं उनके प्रोडक्शन का। अब अपन सबसे पहले देखते हैं ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओवरीज आर ए पेयर ऑफ फीमेल गोनाड्स विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड फीमेल गैमेट ओवम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरीज जो होती है पेयर फीमेल गोनाड्स होती हैं जो कि पेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेक्स हॉर्मोन और फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन के लिए। तो मेनली फीमेल के अंदर दो टाइप के सेक्स हॉर्मोन प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोजन हॉर्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन। ये दो सेक्स हॉर्मोन होते हैं जो कि फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है ओवम, जिसका प्रोडक्शन होता है ओवरीज से। तो ये ओवरीज है वो उसका मेन फंक्शन होता है कि सेक्स हॉर्मोन और फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन के लिए। तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल सेक्स हॉर्मोन होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको रेगुलेट करने में, उनको प्रोडक्शन करने में उनका हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फीमेल सेक्स हॉर्मोन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर है देर आर टू टाइप्स ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फीमेल के अंदर दो टाइप के सेक्स हॉर्मोन प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोजन हॉर्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन। ये जो होते हैं मेन हॉर्मोन होते हैं, फीमेल सेक्स हॉर्मोन होते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्शन है वो मेल के अंदर भी होता है लेकिन बहुत ही लेस क्वान्टिटी के अंदर प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोजन हॉर्मोन। एस्ट्रोजन इज़ ए फीमेल सेक्स हॉर्मोन विच इज़ सीक्रेटेड बाय द मैच्योर ओवरियन फोलिकल। कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा ऑल्सो सीक्रेट द एस्ट्रोजन हॉर्मोन इन ए स्मॉल अमाउंट। जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन का जो कि एक फीमेल सेक्स हॉर्मोन है, उसका प्रोडक्शन जो होता है वो मैच्योर ओवरियन फोलिकल से होता है। अब मैच्योर ओवरियन फोलिकल, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जब स्टार्टिंग में क्या होती है, स्टार्टिंग में कौन सी फेज स्टार्ट होती है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोलीफरेटरी फेज जिसके अंदर, या फिर फोलिकुलर फेज। उस फेज के अंदर क्या होता है कि जो फोलिकल्स हैं वो मैच्योर होते हैं। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फोलिकल है वो प्राइमरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर सेकेंडरी फोलिकल, फिर टर्सरी फोलिकल, उसके बाद जो है मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है वो बनता है। तो जो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल्स है वो उससे रिलीज़ होता है, उससे रिलीज़ होता है एस्ट्रोजन हॉर्मोन। तो मैच्योर जो ओवरियन फोलिकल या फिर ग्राफियन फोलिकल्स है उससे सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन हॉर्मोन। तो ये पूरी फेज होती है, इसको अपन बोलते हैं फोलिकुलर फेज, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज होती है फोलिकुलर फेज। अब इस फेज को, ये फेज जो होती है वो किसके इन्फ्लुएंस में होती है, ये होती है FSH हॉर्मोन के इन्फ्लुएंस में। जो FSH मतलब कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन जो होता है, जो कि सिंथेसाइज और रिलीज करवाया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। अब फोलिकल जो स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन होता है वो जाके एक्ट करता है ओवरीज पे जाके एक्ट करने के बाद जो प्राइमोर्डियल फोलिकल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग के लिए। तो जो FSH है वो जो प्राइमोर्डियल फोलिकल्स होता है उसको कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी फोलिकल में, फिर सेकेंडरी फोलिकल बनता है, फिर टर्सरी फोलिकल बनता है, फिर मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बनता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो FSH हॉर्मोन के इन्फ्लुएंस में होती है। फिर लास्ट में जो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल्स बनता है, उस मैच्योर ग्राफियन फोलिकल से अपना जो सेक्स हॉर्मोन होता है फीमेल सेक्स हॉर्मोन, वो रिलीज़ होता है एस्ट्रोजन हॉर्मोन। एस्ट्रोजन हॉर्मोन का
ऐसे सीक्रेशन होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज होता है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कॉर्पस ल्यूटियम से और प्लेसेंटा से भी होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है। अब आप कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, जैसे कि मैंने आपको, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी होगी जिसमें सबसे पहली जो होती है अपनी फोलिकुलर फेज होती है, जिसके अंदर जो फोलिकल्स हैं वो मैच्योर होते हैं। जब फोलिकल्स मैच्योर हो जाता है तो लास्ट में जो मैच्योर फोलिकल होता है ग्राफियन फोलिकल्स, वो रप्चर होता है और उससे 14th डे पे ओवम रिलीज होता है, वो जो कि ओवुलेशन की फेज होती है। उसके बाद अगर जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो अदर चेंजेज आते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो 48 आवर्स के अंदर रक्चर हो जाएगा, और जो ग्राफियन फोलिकल्स था, जो बचा हुआ ग्राफियन फोलिकल्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो उस कॉर्पस ल्यूटियम से ही स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन है वो होता है। अब अपन इसके एक्शन के, इतना आपने पढ़ लिया, इतना समझ लिया कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन एक सेक्स, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि मैच्योर ग्राफियन फोलिकल या फिर ओवेरियन फोलिकल से रिलीज़ करवाया जाता है। इसका जो सीक्रेशन है वो स्मॉल अमाउंट में कॉर्पस ल्यूटियम से और प्लेसेंटा से भी होता है। एक्शन देखते हैं इसका। सबसे पहले इसका यूट्रस के ऊपर एक्शन देखते हैं कि यूट्रस के ऊपर ये कैसे इफ़ेक्ट है वो शो करता है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस आफ्टर प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो यूट्रस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है प्यूबर्टी के बाद और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्यूबर्टी के बाद जो होता है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। एंडोमेट्रियम जो कि इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो इनर लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोमेट्रियम। तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है, जिससे ब्लीडिंग फेज के अंदर वो एंडोमेट्रियम साइड ऑफ होती है और ब्लीडिंग है वो अकर होती है। तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कैसे करवाता है कि ब्लड वेसल्स है, न्यू जो एंजियोजेनेसिस अपन जिसको बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन, जिससे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, उसकी ग्रोथ होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस की ग्रोथ इसलिए करवाता है जिससे जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांट हो सके, तो इस वजह से यूट्रस की ग्रोथ करवाते हैं। तो आपने दोनों चीज़ समझ ली कि प्यूबर्टी टाइम पे और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों ग्रोथ करवाता है यूट्रस की, कि प्यूबर्टी के टाइम पे तो जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है जिससे एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाती है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाती है। बाद में जब जो अपनी ब्लीडिंग फेज होती है उस फेज़ के अंदर ये जो एंडोमेट्रियम है वही एंडोमेट्रियम सेड ऑफ होती है और ब्लीडिंग है वो अकर होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस की ग्रोथ इसलिए करवाता है जिससे इम्प्लांटेशन है वो, जो फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन अकर हो सके, इसलिए यूट्रस की ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सर्विक्स के ऊपर इसका क्या एक्शन होता है। एस्ट्रोजन मेक्स द सर्वाइकल म्यूकस थिन। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो जो सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स की जो लाइनिंग होती है उसको थिन कर देता है, जिससे स्पर्म की एंट्री है वो ईजिली हो सके, इस वजह से सर्वाइकल म्यूकस को थिन कर देता है। एक्शन ऑन द वेजाइना, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वेजाइना आफ्टर प्यूबर्टी, इट मेक द पीएच ऑफ वेजाइनल सीक्रेशन बिलो 7.0, सो मेक इट एसिडिक। इसका मतलब है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो वेजाइनल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्यूबर्टी के बाद वेजाइना की ग्रोथ करवाता है। उसके अलावा जो वेजाइनल सीक्रेशन है उसका जो पीएच है उसको क्या कर देता है, 7.0 से कम कर देता है। अगर आपको पता है ये चीज़, आपने पढ़ा होगा कि अगर पीएच है वो 7 से कम होगी तो एसिडिक होगी, अगर 7 से ज़्यादा पीएच है तो वो एल्कलाइन होगी। तो ये जो होता है वेजाइनल सीक्रेशन के पीएच को कम कर देता है, जिससे जो वेजाइना का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस है अगर उनकी एंट्री हो तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाएं। तो नेक्स्ट है एक्शन ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर कैसे एक्शन शो करता है। एस्ट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आफ्टर प्यूबर्टी। जो आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ब्रेस्ट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है, ब्रेस्ट के अंदर जो एल्वोलर टिश्यूज़ होते हैं एल्वोलर टिश्यूज़ की ग्रोथ करवाता है।
उसके अलावा एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म पे, एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट शो करता है, इट प्रोड्यूस द हाइपरग्लाइसीमिया। इस्ट्रोजन जो होता है वो हाइपरग्लाइसीमिक नेचर का हार्मोन होता है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है, मैंने आपको बहुत बार बताया, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है हाइपर मतलब इंक्रीज, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल है इंक्रीज हो जाता है तो उसके लिए अपन टर्म यूज़ करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। एक इसके अपोजिट होता है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द जो हार्मोन होते हैं वो हाइपरग्लाइसीमिक नेचर के हार्मोन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हाइपोग्लाइसीमिक नेचर का होता है, वो होता है इंसुलिन, जो कि बहुत ही इसेंशियल हार्मोन होता है हमारी बॉडी के लिए। कि बाकी जितने भी हार्मोन होते हैं वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जो इंसुलिन होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिक नेचर का हार्मोन होता है हाइपरग्लाइसीमिक नेचर का। अब हाइपरग्लाइसीमिया कैसे कोज करता है, ये चीज़ मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझाई थी कि हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया कैसे अकर होता है। ये जो हार्मोन होगा वो क्या करेगा, जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होगा पेरिफेरल टिश्यू लेवल पे उसको रोक देगा, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देगा पेरिफेरल टिश्यू लेवल पे, जिससे ब्लड है के अंदर ही ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज है वो एक्यूमुलेट रहेगा, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। पेरिफेरल टिश्यू लेवल पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्शन ऑन द ब्लड, ब्लड के ऊपर इसका कैसे एक्शन होता है, कि जो इस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो ब्लड के ऊपर भी अपना एक्शन शो करता है। कि मेनली जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट पता है क्या होती हैं, प्लेटलेट जो कि कहाँ से फॉर्म होती हैं, प्लेटलेट बोन मैरो से प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। प्लेटलेट मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दूसरा, प्लेटलेट का जो 1/3 पार्ट होता है वो स्प्लीन के अंदर ही स्टोर्ड होकर रहता है, बाकी का सर्कुलेट होता है ये। उसके अलावा ये जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो प्लेटलेट की जो स्टिकीनेस है उसको कोज करता है। उसके अलावा एक्शन ऑन बोन्स, इस्ट्रोजन इंक्रीज द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स। इसका मतलब ये है कि जो इस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो बोन रिजॉर्प्शन को तो डिक्रीज कर देगा और बोन के मिनरलाइजेशन को, बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देगा। बोन रिजॉर्प्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया थी, बोन रिजॉर्प्शन का मतलब होता है बोन का ब्रेकडाउन होना। तो बोन ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस होगी उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा और बोन के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देगा। मिनरलाइजेशन मतलब कि उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट आयन है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे बोन फॉर्मेशन है वो ईजिली हो पाएगा। तो बोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी उसको इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्शन ऑन बिहेवियर, इस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइमॉर्फिक बिहेवियर ऑफ फीमेल। जो इस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो डाइमॉर्फिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के अंदर। अब डाइमॉर्फिक बिहेवियर क्या होता है, डाइमॉर्फिक बिहेवियर का मतलब होता है कि सेम स्पीसीज के जो टू अदर सेक्स के जो दो अदर सेक्स के जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्जिबिट होते हैं। तो वो चीज़ है वो डिफरेंशिएट करती है दोनों को आपस में, दोनों अदर सेक्सेस को आपस में डिफरेंशिएट करती है। तो जो इस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल के अंदर डाइमॉर्फिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अपन ने देखा अपना इस्ट्रोजन हार्मोन, उसके बारे में पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट अपना जो सेकेंड मेन हार्मोन होता है, सेकेंड फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन, उसके बारे में देखेंगे। प्रोजेस्टेरोन इज़ ए फीमेल सेक्स हार्मोन, इट इज़ सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो भी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से और प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है क्या होता है, कि जो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल से जो ओवम रिलीज होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट बचता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर जो ओवम रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो ही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बन जाता है, तो उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन है वो अकर होता है, और प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन है होता है। उसके बाद अब अपन इसका एक्शन देखेंगे। एक्शन ऑन यूट्रस, प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट सीक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सीक्रेटरी फेज को स्टार्ट कर देता है। अब
सीक्रेटरी फेज कौन सी फेज होती है, सीक्रेटरी फेज जो 14 डे से लेकर 28 डेज की जो फेज होती है उसको अपन बोलते हैं सीक्रेटरी फेज, जिसके अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं कि ओवुलेशन के बाद ये फेज स्टार्ट होती है, जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बनता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो फेज होती है उसको स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट अपन इसका एक्शन देखते हैं, एक्शन ऑन सर्विक्स। प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सर्विक्स की जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसको थिक कर देता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि कब सीक्रेट हो रहा था, जब ग्राफियन फोलिकल मैच्योर होने के बाद सीक्रेट हो रहा था, तो वो क्या कर रहा था, म्यूकस की लाइनिंग को क्या कर रहा था, थिन कर दे रहा था, जिससे स्पर्म की एंट्री है वो इजीली हो सके। तो अब क्या हो गया, ये हार्मोन कब सीक्रेट हो रहा है, ओवम के रिलीज होने के बाद सीक्रेट हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन है वो अकर होता है। अब पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो हार्मोन होगा वो म्यूकस की लाइनिंग, जो सर्विक्स की जो म्यूकस लाइनिंग होगी उसको थिक कर देगा। एक्शन ऑन ब्रेस्ट। प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन द फर्दर ग्रोथ ऑफ एल्यूलाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एल्यूलाई होती है, एल्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, उनकी ग्रोथ करवाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। एक्शन ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इनिबिट द सीक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, FSH हार्मोन जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ फोलिकल्स के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको अपन LH हार्मोन हो बोलते हैं। ये हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैच्योर ग्राफियन फोलिकल से ओवुलेशन करवाने के लिए, ओवम को रिलीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर। प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज द बेसल बॉडी टेम्परेचर बाय अबाउट 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है 0.5 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा बोन के ऊपर देखते हैं इसका इफेक्ट। इट प्रिवेंट रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, सो प्रिवेंट और डिलेट ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब क्या है, सेम चीज़ कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह कि जो बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है, बोन ब्रेकडाउन जो प्रोसेस होती है उससे प्रिवेंट करता है, और जो बोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है, और जिससे क्या होता है, ये बोन रिजप्शन की प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, जिससे जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, डिलेड हो जाता है। अब देखते हैं कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कंट्रोल कैसे होता है, सबसे पहले देखें कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कैसे कंट्रोल्ड होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज GnRH विच एक्ट ऑन द गोनेडोट्रोफ सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सो इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब क्या है, हाइपोथैलेमस है वो कैसे कंट्रोल करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपोथैलेमस है वो मेनली दो टाइप के हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसको अपन बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। इनहिबिटरी हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। तो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि एक टाइप ऑफ रिलीजिंग हार्मोन होता है, जिसको अपन बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर भी जो गोनाडोट्रोफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स पे जाके एक्ट करता है और उन सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है किसके लिए, FSH और LH हार्मोन के सीक्रेशन के लिए। जिसे FSH और LH हार्मोन का सीक्रेशन होता है और वो FSH और LH हार्मोन जाके एक्ट करते हैं ओवरी पे जाके एक्ट करते हैं, जिससे जो LH और जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन है वो अराइज हो जाता है।
तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कंट्रोल बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कैसे कंट्रोल होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज FSH एंड LH फ्रॉम गोनाडोट्रोफ सेल्स। जो मैंने आपको बता ही दिया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिलीज करती है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोफ सेल्स से रिलीज करवाए जाते हैं। FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन ऑफ प्राइमोडियल फोलिकल। दिस मैच्योरिंग फोलिकल रिलीज इस्ट्रोजन। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी। जो FSH हार्मोन वो जाके एक्ट करता है ओवरी पे, ओवरी पे जाके इसका मेन फंक्शन होता है कि ये मेनली मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। FSH हार्मोन जो होता है वो प्राइमोडियल फोलिकल्स का मैच्योरेशन करवाता है, जिससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फोलिकल बनते हैं। उसके बाद मैच्योर फोलिकल बनता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल। उस ग्राफियन फोलिकल से फिर इस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन राइज होता है। उसके अलावा LH हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोफ सेल से ही रिलीज हो रहा था, ये LH हार्मोन अब जाके एक्ट करेगा किसके, मैच्योर फोलिकल पे। तो LH कोज ओवुलेशन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। LH हार्मोन है वही ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। LH हार्मोन है वो ग्राफियन फोलिकल पे जाके एक्ट करता है और ग्राफियन फोलिकल से ओवम का रिलीज करवाता है और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन भी करवाता है। कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये अपन ने देखा कंट्रोल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे कंट्रोल होता है इन हार्मोन का लेवल, कि अगर मतलब बॉडी के अंदर अगर हार्मोन का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, तो अगर रेगुलेट रहेगा तो ही जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मली वर्क कर पाएगा। नहीं तो अगर हार्मोन का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो अराइज हो सकती हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी है वो इन हार्मोन के लेवल को रेगुलेट करने के लिए कुछ अपने मैकेनिज्म हैं वो चलाते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हार्मोन के लेवल को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं द लेवल ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर कंट्रोल्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इंक्रीज लेवल ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड GnRH ऑफ हाइपोथैलेमस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिसके अंदर इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, अगर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो FSH और LH हार्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी है वो FSH और LH हार्मोन का सीक्रेशन है वो नहीं करेगी। लेकिन अगर FSH और अगर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उस केस के अंदर FSH और LH हार्मोन का जो सीक्रेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट अपन जो मेल गोनाड है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि होती है टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में देखते हैं टेस्टिस क्या होती है। टेस्टिस आर अ पेयर ऑफ मेल गोनाड्स सेक्स ग्लैंड। दे आर होमोलोगस टू द फीमेल गोनाड ओवरीज। टेस्टिस जो होती हैं, टेस्टिस भी पेयर मेल गोनाड्स होती हैं, जो कि ये जो टेस्टिस होती हैं वो होमोलोगस होती हैं किसके, फीमेल गोनाड के, फीमेल ओवरीज के सिमिलर होती हैं। मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। इट इज़ स्टेरॉयडल इन नेचर एंड इन ए कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कि स्टेरॉयड नेचर का होता है, कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है। सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज बाय द इंटरस्टीशियल और लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो इंटरस्टीशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स, टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स या फिर उनका अदर नेम होता है इंटरस्टीशियल सेल्स से रिलीज़ करवाया जाता है, सिंथेसाइज करवाया जाता है। अब जो मेनली जो ICSH इंटरस्टीशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज़ करवाया जाता है, ये हार्मोन जाके एक्ट करता है मेल टेस्टिस पे, एक्ट करता है मेल टेस्टिस के अंदर भी जो लेडिक सेल्स हैं उन पे जाके एक्ट करता है और लेडिक सेल्स से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस है वो स्टिमुलेट करवाता है। अब देखते हैं एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या एक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प इन सेक्स डिफरेंशिएशन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो सेक्स डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, कि पता चल जाता है कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। एक्शन एट प्यूबर्टी
एट द प्यूबर्टी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड ICSH सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन अकर विच कोज फॉलोइंग चेंजेज, कि जो प्यूबर्टी के टाइम पे FSH हार्मोन और ICSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन होता है, जिससे फॉलोइंग चेंजेज है वो राइज होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गोनाड्स, जो मेल गोनाड्स हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, वैस डिफरेंसेस एटसेट्रा, कि टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। इट हेल्प इन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्शन ऑन अडल्ट, अडल्ट के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या एक्शन होता है। इन अडल्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन द चेंजेज इन द जेनिटल ऑर्गन विच अकर्ड एट प्यूबर्टी, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो जेनिटल ऑर्गन के अंदर जो प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेज आते हैं उनको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अपन ने एक्शन देखे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। अब देखते हैं अपन कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है वो कंट्रोल कैसे करवाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो रेगुलेशन है वो किस तरीके से करवाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज द GnRH विच एक्ट ऑन द गोनेडोट रेफ सेल्स एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ FSH एंड ICSH, सो सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन अकर, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जिसको अपन बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि गोनाडोट्रोफ सेल्स पे जाके एक्ट करता है, गोनाडोट्रोफ सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है। FSH और ICSH, जिसका ICSH की फुल फॉर्म होती है इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH की होती है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन के सीक्रेशन के को स्टिमुलेट कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जिससे इनका सीक्रेशन हो जाता है और ये जाके एक्ट करते हैं किस पे, टेस्टिस पे, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन है वो करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे कंट्रोल्ड होता है इसका। गोनाडोट्रोफ सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज FSH एंड ICSH इन द मेल सो दैट सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन अकर, की जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो गोनाडोट्रोफ सेल्स होते हैं वो FSH और ICSH हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, ये दोनों हार्मोन जाके एक्ट करते हैं टेस्टिस के ऊपर, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो अराइज होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, की नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से कैसे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो रेगुलेट होकर रखता है। आफ्टर प्यूबर्टी द सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ FSH एंड ICSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड GnRH ऑफ हाइपोथैलेमस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो FSH और ICSH रिलीज हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और GnRH जो रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से उनका लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर इन केस ऑफ अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, अपोजिट होगा, कि जो FSH और ICSH हार्मोन होंगे उनका लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और GnRH का भी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा गोनाड्स के बारे में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।